हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली ब्लाउज हॉल फिर से मैं लेकर आ गई हूँ। और ये ब्लाउज जो है अभी फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग भी इसमें कुछ कुछ ब्लाउज हैं जो आप अपने लिए बाय कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का ब्लाउज है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा डीप नेक में भी नहीं है, नॉर्मल है, आप इसे बाय कर सकते हैं। सारे ब्लाउज ही बहुत सुंदर है। तो चलिए हम देखते हैं किस टाइप का ब्लाउज है। आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आएगी। मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ब्लाउज शेयर कर रही हूँ मैरून कलर में, बहुत ही सुंदर सा ये मैरून कलर में देख सकते हैं। ब्लाउज है फ्रंट डिजाइन और ये है आपका बैक डिजाइन। बैक में आपको जो है इस टाइप से यहाँ पर लटकन मिल जाते हैं ऊपर में, और नीचे भी यहाँ पर नीचे के पोर्शन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी आपको लटकन मिल जाते हैं। और ये जो है लेस लगे हैं, ये जो है ना ऊपर से लेस लगा हुआ आप देख सकते हैं। तो ये जो है सिल्वर कलर में, सिल्वर एंड गोल्डन मिक्स करके ये लेस लगा हुआ, पूरा ही लेस का ही वर्क है। और मटेरियल इसका जॉर्जेट है, बिल्कुल सॉफ्ट है। अंदर का जो लाइनिंग है ना वो भी बिल्कुल ही सॉफ्ट है। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल ब्लाउज है, आप इसे ले सकते हो, 100% बाय कर सकते हैं। एंड पाइपिंग भी लगा हुआ है ब्लाउज में, सारी जगह पाइपिंग भी मिल जाएगा आपको। और ये जो स्लीव है ना, स्लीव पर आपको जो है लाइनिंग नहीं मिलता है अंदर में, देख सकते हैं स्लीव पर आपको लाइनिंग नहीं रहता है। फ्रंट से आप देख सकते कितना सुंदर सा ये ब्लाउज का डिजाइन है, नेक का डिजाइन भी काफ़ी अच्छा सा दिया गया है। और बैक साइड जो है ना पूरा आपको राउंड में मिलता है, ये देखिए साइड राउंड में मिलता है। जो पैड है ना वो भी लाइट पैड दिया गया है इसमें भी। तो इसमें जो है ना सारे कलर्स अवेलेबल है, मीन्स अगर आपको ये कलर नहीं लेना है, जो कलर लेना है आप वो कलर ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर और भी सारे कलर के ऑप्शन हैं आपके पास। तो ये फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग आप इसे बाय कर सकते हो, 100% आप अपने तीज त्यौहार में पहन सकते हो इस ब्लाउज को। तो ये था गाइज फर्स्ट ब्लाउज। नेक्स्ट ब्लाउज में दिखाती हूँ। नेक्स्ट ब्लाउज जो होने वाला है ना ये पर्पल कलर में होने वाला है। ये जो है ना इधर स्लीव कितना सुंदर आप देख सकते हो, मुझे इसका स्लीव बहुत अच्छा लगा। ऑर्गेन्जा फैब्रिक में स्लीव दिया गया है, देख सकते हैं स्लीव का डिजाइन ऐसे ही रहेगा बोथ साइड। और फ्रंट साइड आपको देख सकते हैं इस टाइप का नेक मिल जाता है, राउंड में बोट टाइप का थोड़ा सा इसका डिजाइन बन जाता है नेक का। उसके बाद जो है यहाँ बैक साइड का डिजाइन भी बहुत अच्छा दिया गया है, बैक साइड डिजाइन। ये रस्सी थोड़ा सा यहाँ पर लटकन मिलेगा, उसके बाद यहाँ बैक साइड ही बटन भी मिल जाता है। प्योर सॉफ्ट है इसका जो अंदर का जो मटेरियल है ना, कॉटन है, प्योर सॉफ्ट है अंदर का मटेरियल। और ऊपर से जो है ना ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ किया गया, जो कि शाइन कर रहा है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा शाइन कर रहा है। तो ये जो है ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ किया गया है ये ऊपर का मटेरियल के लिए, और स्लीव पर भी वही मटेरियल यूज़ किया गया है। ये बिल्कुल चुभता नहीं है, क्योंकि अंदर में जो है कॉटन का जो मटेरियल है ना उसके कारण जो है बहुत अच्छा ये ब्लाउज आपको आ जाता है। और इसमें कोई आपको पैड नहीं मिलता है, देख सकते हैं कितना सुंदर सा ब्लाउज। ये ब्लाउज काफ़ी अच्छे से आ जाता है, वैसे मैं ट्राई ऑन हॉल करके यहाँ पर दिखा दूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा लुक। तो ये था गाइज सेकेंड। और इसमें भी आई थिंक कलर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा कलर है या नहीं है। मुझे याद नहीं है, शायद कलर था इसमें। मैं दिखाऊंगी रेड कलर में, जो कि अभी जो है फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग ले सकते हो इस ब्लाउज को आप। ये देख सकते हो कुछ इस टाइप से इसका डिजाइन है, पूरा सीक्वेंस एंड थ्रेड वर्क है इस ब्लाउज से भरा हुआ, आप देख सकते हैं। और बैक साइड भी जो है पूरा आपको राउंड नेक मिल जाता है, पैड भी लाइट पैड मिल जाता है इसमें। स्लीव का डिजाइन देख सकते हैं, मैं देख रहे थे आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहे थे, लेकिन अगर सेम नहीं अवेलेबल होगा तो मैं आपको इसका सिमिलर दे दूंगी जो अवेलेबल होगा वहाँ पर। तो अंदर का जो लाइनिंग है ना ये भी प्योर कॉटन है। तो ये ब्लाउज भी काफ़ी अच्छा है, फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग आप इसे ले सकते हो, काफ़ी अच्छा ब्लाउज है, डिजाइनर काफ़ी लगता है पहनने पर भी। कोई भी आपके पास प्लेन हुई साड़ी उसमें भी बहुत सुंदर लगेगा, या फिर कोई साड़ी है मैचेबल तो आप उस पर रेड कलर तो बहुत सारी साड़ी में मैच हो जाते हैं, तो आप ये ले सकते हो। और इसमें जो है मतलब कलर इसमें आई थिंक नहीं था, शायद ये रेड कलर में ही था, कलर होगा तो मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अब मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ, पूरा प्रिंट रहेगा, ये क्रीम कलर का ब्लाउज होने वाला है, इसके ऊपर से पूरा प्रिंट रहता है इस पर, देख सकते हैं इस टाइप कलरफुल ऑरेंज एंड ग्रीन में पूरा बना हुआ है पूरा फ्लावर। ये है फ्रंट साइड और ये है बोट नेक टाइप से मिल जाता है डिजाइन आपका फ्रंट का। स्लीव इतना 3/4 मिलेगा और बैक साइड भी आपको सेम ही मिलने वाला है, मतलब बोट नेक टाइप से ये हो जाता है, ठीक है। तो बैक और ये बैक साइड ही आपको पूरा बटन मिल रहा है यहाँ पर,
इसमें भी कोई पैड नहीं मिलता है आपको। इसका जो अंदर का मटेरियल है ना, ये प्योर कॉटन नहीं है, इसका जो है मिक्स मटेरियल है। और ऊपर का भी मटेरियल जो है सिल्क मिक्स करके इसका मटेरियल है। तो ये भी ब्लाउज ले सकते हैं, प्रिंटेड में काफ़ी अच्छा ब्लाउज लगा, ब्लाउज आप ले सकते हो फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग, ये काफ़ी अच्छा है ये भी ब्लाउज, बहुत सारे साड़ी पर मैच कर सकते हो। नेक्स्ट ब्लाउज दिखाऊंगी ना, वो होने वाला है ब्लैक में, और ये बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज है ब्लैक में। फ्रंट में ये इस टाइप का वी नेक मिलेगा, वी नेक पर आपको ऐसा डिजाइन मिल जाएगा। ये ब्लाउज जो है ना चिकनकारी में है, चिकनकारी कॉटन मटेरियल होता है ना, वही मटेरियल है, काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा मटेरियल है। स्लीव पर आपको कोई लाइनिंग नहीं मिलता है, देख सकते हैं। ब्लाउज का भी अंदर का मटेरियल ना प्योर कॉटन में ही है, प्योर कॉटन थोड़ा मिक्स है लेकिन सॉफ्ट है, अच्छा है। बैक साइड भी देख सकते हैं, बैक साइड का डिज़ाइन, बैक साइड में स्टेप से राउंड मिल जाते हैं, उसके यहाँ पर थोड़ा सा आपको लटकन मिलता है स्टेप से। और इसमें जो है ना सीक्वेंस यूज किया गया थोड़ा थोड़ा, बहुत ही लाइट सीक्वेंस है, चुभता नहीं है ये सीक्वेंस, थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस आप देख रहे होंगे शाइनिंग कर रहा है ना, वही सीक्वेंस वर्क है। तो चिकनकारी के साथ सीक्वेंस वर्क बहुत ही सुंदर लगता है, और उसमें थोड़ा सा आपको लाइट पैड भी मिल जाता है। तो ये ब्लाउज हो गया ब्लैक में, और इसमें ब्लैक ही नहीं, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, तो आप जो भी कलर लेना चाहते हैं आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा ब्लाउज है, फिट भी आपको अच्छे से हो जाता है। साइज में इसलिए नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर साइज़ जो है जो आप साइज़ पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग आप मंगा सकते हैं, और उसको आप ऑर्डर करा सकते हैं। तो ये था गाइस ब्लाउज का डिटेलिंग। तो इन सभी ब्लाउज में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड इन सभी का लिंक मिल जाएगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने लिए बाय कर सकते हैं। इसमें से जो भी ब्लाउज पसंद आता है आप अपने लिए बाय कर सकते हैं, ताकि आपको लुक भी समझ में आ गया होगा किस टाइप उसका लुक आता है। तो चलिए, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अगर हेल्पफुल रही तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।